गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस की अलग अलग प्रकार की क्रियाविधि होती है। इन क्रियाविधि को, या हम यूँ कहें कि इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस को मेनली या वाइडली फोर टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में वास्तव में होता क्या है, रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए पुराने बॉन्ड्स का डिसोसिएशन करना पड़ता है, नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करना पड़ता है, या फिर किसी एटम या ग्रुप का रीअरेंजमेंट करना पड़ता है। इस तरीके के कुछ चेंजेस रिएक्टेंट्स में होते हैं जिसके कारण से वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस वास्तव में कोवेलेंट बॉन्ड के बनने और उसके टूटने पर आधारित होती हैं, और वास्तव में इन रिएक्शंस में बॉन्ड के टूटने पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र, डीलोकलाइजेशन हो जाता है। वास्तव में ऑर्गेनिक रिएक्शंस को, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म को स्टडी करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद में या बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉनों का गमन दर्शाने के लिए कुछ एरोनोटेशंस का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कर्व्ड एरो नोटेशन, यानी वक्र तीर संकेतन। देखिए, किसी भी कंपाउंड में जब एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इन इलेक्ट्रॉनों के गमन को दर्शाने के लिए कर्व्ड एरो का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों का जो ये ट्रांसफ़र है वो समान या असमान रूप से हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र, दोनों इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र एक ही तरफ होता है तो फुल हेडेड कर्व्ड एरो का यूज़ किया जाता है, और एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र अगर होता है तो हाफ हेडेड कर्व्ड एरो का यूज़ किया जाता है। इन दोनों एरोज़ में डिफरेंस देख सकते हैं अपन, ये कर्व्ड एरोज़ हैं दोनों ही, यानी दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स के गमन को दर्शा रहे हैं, लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉनों का गमन है तो फुल हेडेड एरो, एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन का गमन है तो सिंगल हेडेड एरो का यूज़ किया जाता है। यहाँ हम इस रिएक्शन में या इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं इन एरोज़ के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के गमन को जब दर्शाया गया है। देखिए, एक्स वाई कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, या Cl2 का हम एग्जांपल ले लें, क्लोरीन क्लोरीन आपस में एक कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जब इस बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड एटम की तरफ एक एक चले जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के क्लोरीन पर गमन को दर्शाने के लिए सिंगल हेडेड कर्व्ड एरो का हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से मिथाइल क्लोराइड में हम देख सकते हैं बॉन्ड के ब्रेक के बाद इलेक्ट्रॉन के गमन के लिए प्रथम तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का गमन एक एक होता है या दो दो होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन के गमन को दर्शाने के लिए इस प्रकार से हम सिंगल हेडेड एरोज़ का यूज़ करते हैं।
ऑर्गेनिक रिएक्शंस में डबल हेडेड एरोज का प्रयोग भी कभी कभी किया जाता है, जो स्ट्रेट वाले डबल हेडेड एरोज का यूज़ किया जाता है। इन एरोज का यूज़ हम कहाँ करते हैं, रेजोनेंस को शो करने के लिए किया जाता है। डबल हेडेड एरो हम इस तरीके का भी यूज़ करते हैं कई बार ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, ये इक्विलिब्रियम के लिए यूज़ किया जाता है। साम्य को प्रदर्शित करने के लिए हम इन प्रकार के एरोज का यूज़ करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में बॉन्ड के क्लीवेज की, कि बॉन्ड का क्लीवेज किस तरीके से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वास्तव में दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, रिएक्टेंट्स के बीच जो पहले से बना हुआ बॉन्ड है वह ब्रेक डाउन होता है। दूसरा होता है न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन, जिससे प्रोडक्ट बन जाते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका ब्रेक डाउन दो तरीके से मुख्यतः हो सकता है, और ये होमोलाइसिस एंड हेट्रोलाइसिस कहलाते हैं। होमोलाइसिस हेट्रोलाइसिस के बारे में, विषमांश विखंडन समांश विखंडन के बारे में, या फिर बॉन्ड क्लीवेज के बारे में एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समांश विखंडन की, होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइसिस। होमोलाइसिस में क्या होता है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्लीवेज के बाद समान रूप से दोनों बॉन्डेड एटम्स के पास चले जाते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को लेकर सेपरेट हो जाते हैं, और इस सिंगल इलेक्ट्रॉन के गमन को दर्शाने के लिए हम सिंगल हेडेड एरो का यूज़ करते हैं। अब अपन ने सिंगल हेडेड एरो के यूज़ के द्वारा सिंगल इलेक्ट्रॉन के गमन को दर्शाया, और हमने ये देखा कि इस विखंडन में बॉन्डेड एटम्स अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर चले जाते हैं, तो यह समांश विखंडन कहलाता है, और समांश विखंडन से फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। CH3 फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, देखिए ये फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। इनमें प्रत्येक एटम के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री प्रेजेंट होता है, अर्थात इनके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब अपन बात करते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की या हेट्रोलाइसिस की। हेट्रोलाइसिस में क्या होता है, वास्तव में इस प्रकार के विखंडन में कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड के साझे के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्लीवेज के बाद बॉन्डेड एटम्स में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ दोनों ही चले जाते हैं, जिससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज यानी एनायन का फॉर्मेशन, और दूसरे वाले एटम पर कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। इसे हम विषमांश विखंडन या हेट्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं। इस विखंडन में हम ये देख सकते हैं कि जब कोवेलेंट बॉन्डेड कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर चले जाएंगे और कार्बन पर धनावेश आ जाएगा, और उस कार्बन को हम कार्बोकेटायन के नाम से जानते हैं। और अगर कार्बन अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन खुद होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करता है। कभी कभी किसी रिएक्शन में ऐसा भी होता है कि दो कोवेलेंट बॉन्ड्स का क्लीवेज एक साथ होता है तो दो एटम एक ही कार्बन से सेपरेट हो जाते हैं और कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन छोड़ जाते हैं। कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन होने पर वह कार्बीन कहलाता है, जैसा कि मेथिलीन इसका एक एग्जाम्पल है।
ऑर्गेनिक रिएक्शंस में वास्तव में जो रिएक्टेंट होते हैं उनके ऊपर कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज़ का अटैक होने पर इस तरह के बॉन्ड क्लीवेज या केमिकल रिएक्शन की प्रोसेसिंग होती है। जब ये कार्बो धनायन या ऋणायन या फ्री रेडिकल्स जो कि क्लीवेज के द्वारा बनते हैं इन प्रकार की स्पीसीज़ केमिकल रिएक्शंस को संपन्न करती है वो रिएजेंट कहलाती है। यह रिएजेंट जो होता है न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन के प्रति जो भी एफिनिटी दर्शाता है उसके आधार पर रिएजेंट तीन प्रकार के होते हैं। इन रिएजेंट्स के बारे में भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स आपके क्वेश्चन आ सकता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन से ही अभिकर्मकों से आप क्या समझते हैं, इन दिए गए उदाहरणों में से नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों को छांटिए, इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स अपने दिए हुए आएंगे उनमें से अपने को नाभिक स्नेही स्पीसीज़ को और इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीसीज़ को छांटना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स की। ऐसे रिएजेंट्स जिन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है यानी जिनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो ऋणायन के रूप में भी हो सकते हैं, लोन पेयर के रूप में भी हो सकती हैं। वे सभी स्पीसीज़ न्यूक्लियस के प्रति बहुत बंधुता दर्शाती हैं, इसे ही हम नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मक सामान्यतः ऋणावेशित स्पीसीज़ या फिर न्यूट्रल स्पीसीज़ होती हैं। न्यूट्रल स्पीसीज़ एंड ऋणावेशित स्पीसीज़ ये जो दोनों ही जो कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं वो लेविस के अकॉर्डिंग बेस की श्रेणी में आते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स में। फर्स्टली नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज़, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज आयंस को अपन जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं रिएक्शंस में पढ़ते हैं वे सभी स्पीसीज जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा वे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगी और वो नेगेटिवली चार्ज या एनायनिक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स कहलाते हैं। न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स की हम बात करें तो ऐसी सभी स्पीसीज जिनके पास में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं या लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वे सभी न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं। इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। सेकेंडली इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स या इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक, वे सभी रिएजेंट्स जिन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो अर्थात इलेक्ट्रॉनों से बॉन्डेड होने की नेचर उनके अंदर हो यानी वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स कहलाते हैं। ये सामान्यतः कौन सी स्पीसीज़ होंगी जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, हम जानते हैं कि ये सभी कैटायनिक स्पीसीज़ यानी वे सभी आयन जिन पर धनावेश उपस्थित होता है वे इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक की तरह बिहेव करेंगे। और कुछ उदासीन स्पीसीज़ जो कि लुईस एसिड की होती हैं वे सभी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव करती हैं। एग्जांपल्स अपन इनके देख सकते हैं कैटायनिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के एग्जांपल सभी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज़ जैसे H प्लस है, X प्लस है, CH3 प्लस है, इस तरीके के ये सभी एग्जांपल्स जिनमें पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज पर प्रेजेंट होता है वो कैटायनिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स में वे सभी स्पीसीज आती हैं जिनके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है या वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की किसी तरीके से कमी होती है वे सभी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट फ्री रेडिकल रिएजेंट्स।
कुछ ऐसे रिएजेंट्स भी होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अपने फ्री इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, वे मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। ये सामान्यतः उदासीन स्पीसीज़ ही होती हैं, इनमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है और ये फ्री रेडिकल रिएजेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एच फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, इस तरीके के ये फ्री रेडिकल्स होते हैं। थैंक यू।